वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप। रिप के दो वर्जन होते हैं, वर्जन वन भी होता है एंड वर्जन टू भी होता है, लेकिन आज जो हमने करना है वो वर्जन वन करना है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डायनेमिक प्रोटोकॉल में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये पहला हम राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, जिसको कहा जाता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। 1988 में ये डेवलप हुआ है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यानी डिस्टेंस को चेक करता है। यहाँ पे डिस्टेंस को रिप जो है वो हॉप काउंट कहते हैं, हॉप काउंट, ठीक है, कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बीच में कितने राउटर्स आते हैं उसको हॉप काउंट कहा जाता है। वन हॉप इज बेटर देन टू हॉप, यानी डेस्टिनेशन तक एक रास्ते में एक राउटर आ रहा है और एक और पाथ है उसके अंदर दो राउटर्स आते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो जो वन राउटर है, वन हॉप है, वो बेहतर है। ये क्योंकि 1988 में इन्वेंट हुआ है, डेवलप हुआ है, उस वक्त इतनी हाई स्पीड लिंक नहीं होते थे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इसलिए ये लिंक की स्पीड के ऊपर फैसला नहीं करता। उस वक्त हॉप काउंट के ऊपर फैसला करता है था कि एक हॉप इज बेटर देन टू हॉप, टू हॉप इज बेटर देन थ्री हॉप, फोर हॉप। और ये जो है रिप जो है वो सिर्फ ओनली आप इस प्रोटोकॉल को 15 राउटर, यानी आपकी एक ऐसी टोपोलॉजी है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 15 राउटर्स हैं, उस तक ये रन होगा। अगर वो 15 राउटर से जो है वो 16 हो जाए या आपका नेटवर्क ग्रो करे, स्केलेबल हो, उस पर ये काम नहीं करेगा। 16 जो है वो अनरीचेबल, ठीक है, 16 अनरीचेबल, सिर्फ 15 राउटर या 15 के अंदर अंदर स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल टोपोलॉजी के लिए ये फिजिबल है, वहाँ पे ये रन होता है। और ये इसके अंदर आप सबनेटिंग नहीं कर सकते वर्जन वन में, आज वर्जन वन पढ़ा रहा हूँ, क्लास फुल है, यानी आप बगैर सबनेटिंग के आप उसको यूज़ करेंगे, जो कि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस भी है। और ये जो है अपना राउटिंग टेबल, अब इसका ये वर्किंग किस तरीके से करता है, सबसे पहले जो राउटर है वो चेक करता है कि मेरे साथ कितने नेटवर्क अटैच है, उनको वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करता है और फिर अपना राउटिंग टेबल जो है हर 30 सेकेंड के बाद जो उसके साथ राउटर्स अटैच होंगे, ठीक है, उसको अपडेट कर देगा और बता देगा कि मेरे साथ इतने राउट्स हैं, ठीक है, और हर राउटर एक दूसरे को 30 सेकेंड बाद राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, बेशक उसके अंदर कुछ चेंजेस हों या ना हो। और इस तरीके से हर राउटर को डायनेमिकली वो राउटिंग टेबल अपडेट करेगा, ठीक है। एक राउटर कहेगा मेरे साथ इतने 4 नेटवर्क अटैच हैं, उसका वो उसके साथ जितने भी राउटर्स कनेक्ट होंगे, R2 कनेक्ट होंगे, उसको राउटिंग टेबल भेज देगा। R2 कहेगा मेरे साथ 7 नेटवर्क्स हैं, वो R1 को भेज देगा। इस तरह तमाम राउटिंग टेबल डायनेमिकली अपडेट हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस इंटरफेस के साथ हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं और ऐसे पैकेट हमने जो है वो आगे सेंड करना है, रिसीव करना है, ठीक है जी। अब इसके जो ये जो राउटिंग टेबल अपने एक दूसरे को सेंड करेगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है 2555.2555.2555.2555। इट्स मीन के एक राउटर के साथ जितने भी राउटर्स अटैच होंगे वो सब इसके राउटिंग अपडेट्स को, ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेंगे, ठीक है। अब जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना था, 1, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि आपने एक राउटर पे स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर किया है और रिप भी कॉन्फ़िगर किया है, तो वो राउटर जो रिलाय करेगा डेस्टिनेशन तक पैकेट सेंड करने पे वो स्टैटिक राउट पे करेगा, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है और इसका कितना होता है 120 होता है, इसके ऊपर रिलाय नहीं करेगा, जो छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा उस पर रिलाय करेगा। और अगर आपके राउटर्स के ऊपर सिर्फ रिप ही खाली चल रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 120 जो है इसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डिस्टेंस है। उसके बाद जनाब ये क्या करता है, इसकी ड्रॉबैक ये है कि अव्वल तो ये ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है राउटिंग टेबल, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी स्लो कन्वर्जेंस है।
अभी कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस ये होती है कि एक टोपोलॉजी के अंदर एक साइट के ऊपर कोई लिंक डाउन होता है या किसी किस्म की कोई चेंजेस होती हैं तो कितने टाइम के अंदर वो पूरे टोपोलॉजी या तमाम राउटर्स तक पहुंच जाए उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो इसकी स्लो कन्वर्जेंस है। फिर इसके अंदर जो है रिप वन के अंदर एक राउटिंग लूप्स भी इसके अंदर लग जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होती, कोई लिंक फेलियर होता है अपडेट नहीं होती या किसी किस्म का प्रॉब्लम हो वो अपडेट नहीं होती तो वो राउटिंग लूप्स के अंदर जो है वो चला जाता है। राउटिंग लूप से बचने के लिए वो क्या यूज़ करता है, स्प्लिट हॉरिजन वो यूज़ करता है टेक्निक। स्प्लिट हॉरिजन जो है वो ये कहती है कि अगर किसी एक इंटरफेस से एक नेटवर्क की अपडेट आपको रिसीव हुई है तो दूसरे नेटवर्क पर दोबारा उसको अपडेट नहीं भेजनी। उसके अलावा ये क्या करता है जी, होल्ड डाउन टाइमर लगाता है, ठीक है। अब होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है कि आपका मिसाल के तौर पे ये ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है राउटिंग टेबल 30 सेकंड के बाद, तो उसके बाद अगर कोई लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है जी, लिंक डाउन हो जाता है तो वो उसके बाद होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद भी उसको अगर अपडेट नहीं आती तो उसका इनवैलिड टाइमर होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उस पर भी वो इंतज़ार करेगा तकरीबन 180 सेकंड इंतज़ार करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 240 सेकंड इंतज़ार करेगा और अगर उस तक तक भी लिंक जो है वो अप ना हो उसके दरमियान टाइमर के दरमियान तो वो उसको फ्लश कर देगा उस राउट की एंट्री को, कहाँ से, राउटिंग टेबल कैसे, उसको जो है वो फ्लश कर देगा उसकी एंट्री को वो निकाल देगा, ठीक है। इसके अलावा जो राउटिंग लूप से बचने के लिए जो है वो राउट पॉइजनिंग भी यूज़ करता है, ठीक है। राउट पॉइजनिंग ये होती है कि किसी नेटवर्क तक अगर ना पहुंचा जाए तो उसको 16 करके भेज देता है और 16 राउटर तो अनरीचेबल होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिप जो है वो यूज़ करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, इसकी वर्किंग को ईजी टू अंडरस्टैंड है। और ऑफ कोर्स रिप का भी एल्गोरिथम होता है जिसको ब्लेमन फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं, इजी कन्फिगर है, आराम से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है, इजी कन्फिगर है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और इसके अंदर जो है वो लेस कम्प्लेक्स है, ज़्यादा कम्प्लेक्स ये राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, कम कम्प्लेक्स है राउटिंग प्रोटोकॉल। आसानी के साथ आप इसको सिंपल टोपोलॉजी के अंदर जो 15 राउटर्स के अंदर अंदर टोपोलॉजी है उसको आप इस रिप के ऊपर आसानी के साथ कन्फिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका ड्रॉबैक है ये कि हर 30 सेकंड बाद अपने राउटिंग टेबल को ये अपडेट कर रहा होता है, ठीक है जी, और जो अगर कोई चेंजेस ना भी हो नेटवर्क पे फिर भी हर 30 सेकंड बाद राउटिंग टेबल अपडेट ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। ब्रॉडकास्ट अच्छी चीज़ नेटवर्क के ऊपर नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1। वर्जन 2 बाद में करेंगे अगली लैब में और देखेंगे अपनी टोपोलॉजी को वर्जन 2 के अंदर किस तरीके से चेंज करेंगे। बल्कि अब हम इसका जो है सबसे पहले इसको रिप वर्जन 1 कन्फिगर करेंगे और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे रिप वर्जन 2 में। तो कंपैरिजन देख लेते हैं रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के अंदर क्या कंपैरिजन है। रिप वर्जन 1 में तो आप सबनेटिंग नहीं कर सकते, क्लास फुल, ठीक है जी, और ये जो है रिप वर्जन 2 क्लास लेस। अब ये रिप वर्जन 2 क्या है, उसी की इन्हेंसमेंट है, उसी को इन्हेंस किया गया है, उसके अंदर चेंजेस की गई हैं एल्गोरिथम्स में, प्रोटोकॉल्स के अंदर। और रिप वर्जन 1 में वो क्लासफुल है, आप सबनेटिंग नहीं कर सकते, रिप वर्जन 2 क्लास लेस है, ठीक है जी। और ये आपका क्लास लेस है रिप वर्जन, उसमें आप सबनेटिंग रिप वर्जन 2 में कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिप वर्जन 1 में जो बड़ा ड्रॉबैक है वो है ब्रॉडकास्ट, लेकिन इस ड्रॉबैक को ख़त्म किया गया है और रिप वर्जन 2 के अंदर उसको जो है वो क्लास लेस किया गया है, ठीक है, सॉरी क्लास लेस नहीं, मल्टीकास्ट यूज़ किया गया है जो कि एफिशिएंट है, ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई बंदा भी राउटर लेकर आए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। और रिप वर्जन 2 के अंदर ऑथेंटिकेशन है कि जितनी भी अपडेट होंगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी, ये नहीं हो सकता कोई बंदा अपना राउटर लगाए या कोई इंटरफेस उस नेटवर्क के साथ अटैच करे तो उसको भी जो है वो अपडेट कर ले, ठीक है जी।
तो ये था इसके अंदर कुछ दोनों का कंपैरिजन। सबसे पहले हम लैब कॉन्फ़िगर करेंगे रिप वर्जन 1 की और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रिप वर्जन 2 के अंदर। अब पैकेट ट्रेसर के अंदर चलते हैं इसको और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये एक टोपोलॉजी मैंने डिज़ाइन कर ली है, अभी हमारे टूल नज़र नहीं आ रहे, तो व्यू के अंदर टूल बार जाकर आप मेन टूल बार और सेकेंडरी टूल बार और यहाँ पर बॉटम टूल बार नज़र आ सकते हैं। ये मैंने टोपोलॉजी डिज़ाइन कर चुका हूँ मैं, इसकी बेसिक इंटरफेस पर बेसिक आईपी दे चुका हूँ मैं, और ये मेरे पास पूरी एक वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि अपने राउटर को किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंटरफेस पे, कैसे उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे बेसिकली। तो ये एक टोपोलॉजी है जिसके अंदर चार राउटर्स हैं, इनको मैंने नाम रख लिया R1, R2, R3, R4। वैसे तो ये राउटर जहाँ जिस डिपार्टमेंट में होंगे वही मीनिंगफुल इसका होस्ट नेम होगा। इसी तरीके से हर राउटर एक स्विच के साथ कनेक्ट है और स्विच के साथ एक लैपटॉप एक पीसी या दो पीसी कनेक्ट है, इसी तरह दो पीसी फिर दो पीसी अटैच है। तो ये एक टोपोलॉजी है। अब ये वाला राउटर है, इसकी तीन इंटरफेसेस हैं, एक तरफ ये लैन के साथ कनेक्ट है और क्लास ए का जो है वो आईपी एड्रेस यूज़ किया गया है। और ये क्योंकि रिप वर्जन 1 कन्फिगर कर रहा हूँ तो सबनेटिंग नहीं की। इसी तरह इस राउटर से R1 से R3 के दरमियान क्लास बी का 172.16, इसी तरह R3 के नेटवर्क पर 172.18 और इसके दरमियान 172.17, इसके दरमियान जो है 192.168.2.0 क्लास सी, इनके दरमियान 192.168.1 क्लास सी, यहाँ पर 12 क्लास ए, इनके दरमियान 11 क्लास ए और 10 क्लास ए। तो ये एक टोपोलॉजी मैंने 4 राउटर के साथ पूरी लैन उसके साथ अटैच की है। टोपोलॉजी बेसिक इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया है मैंने, आईपी एड्रेस और नो शट डाउन किया है। ये मैं बेसिक मेरे पास मेरे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है जिस पे बेसिक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो की हुई है कि इंटरफेस पे आईपी कैसे दिया जाता है, उसको नो शट डाउन और अप किया कैसे किया जा सकता है, उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपको ये सीखना है तो आप उस पे वीडियो वो देख सकते हैं। अब मैंने इस टोपोलॉजी पे रिप कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इसकी जो कंसेप्ट है, इसकी जो टिप है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि हर राउटर के साथ कौन से नेटवर्क अटैच हैं उनको आपने अपने पास लिख लेना है। वैसे तो आप इस पूरी टोपोलॉजी को अपने पास डिज़ाइन कर लें, एमएस विजियो में डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने पेपर्स पे डिज़ाइन कर लें, रजिस्टर पे डिज़ाइन कर लें, लेबल कर लें प्रॉपर तरीके से, इसको अंडरस्टैंड कर लें प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जनाब आपने लिखना है कि ये अब मैं जा रहा हूँ R1 पे, ये R1 है मेरा, ठीक है जी, ये मेरा R1 है, इस पे देखना है इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच हैं। इसके साथ एक 10 का नेटवर्क अटैच है, तो आप अपने पास यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे लिखें R1 और इसके साथ कौन से नेटवर्क अटैच हैं, 10 का नेटवर्क है, तो आपने नेटवर्क नंबर लिखना है, ठीक है जी, एक 10 का नेटवर्क है। उसके बाद इसके साथ 172.16 क्लास बी का अटैच है, वो लिख लें आप अपने पास, और नेटवर्क नंबर लिखना है आपने यहाँ पे, नेटवर्क नंबर आपको आना चाहिए किस तरीके से हमने फाइंड करना है, होस्ट की जगह हमने 00 लिखना है। और तीसरा नेटवर्क अटैच है इसके साथ 11 का, यहाँ पे 11 क्लास ए का 11 का नेटवर्क, ठीक है जी, ये तीन नेटवर्क इसके साथ अटैच हैं। तो चलें रिप की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको ओपन कर लें। राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, अनेबल प्रिविलेज मोड, और आपने यहाँ दिया है जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यहाँ आप लिखेंगे राउटर, कमांड देंगे राउटर और मैं क्या कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ रिप, तो आप देखेंगे मोड भी चेंज हो गया, कॉन्फ़िग डैश राउटर में चला गया। अब आपने यहाँ नेटवर्क की कमांड देनी है कि यह तीन नेटवर्क अटैच है, पहले कौन सा नेटवर्क अटैच है, 10 का, ठीक है, ये आपने नेटवर्क की कमांड लिखने के बाद 10 का नेटवर्क देना है, फिर नेटवर्क की कमांड देनी है, फिर कौन सा इसके साथ नेटवर्क अटैच है, बी का 172.16 का, और याद रखिए नेटवर्क नंबर देना है यहाँ पे, नेटवर्क नंबर आपको निकालना आना चाहिए। फिर आप उसके पास आपकी तीसरी कौन सी है इसके अंदर, 11 का, ठीक है, 11.0.0.0, ये लें जी सिंपल राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर रिप, उसके साथ कितने नेटवर्क अटैच हैं उसका आपने क्या निकालना है, नेटवर्क नंबर निकालना है। तो इसके साथ राउटर के साथ जो है वो कितने नेटवर्क अटैच है, तीन, क्लास ए, ये भी क्लास ए 11, 10 और क्लास बी 172.16। तो इसको मैंने अपने पास राइट डाउन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने तीन नेटवर्क की कमांड दी है और आगे मैंने नेटवर्क नंबर लिख दिया है, ठीक है जी, सिंपल। और देखें कितनी आसानी के साथ ये रिप जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया, नेटवर्क नंबर, ये नेटवर्क, यानी हमने बता दिया कि ये तीन नेटवर्क
इस राउटर के साथ अटैच हैं। ये स्टैटिक राउट से थोड़ा डिफरेंट है। स्टैटिक राउट में हम रिमोट का नेटवर्क देते थे, लेकिन यहाँ नेटवर्क की कमांड के साथ जो उस राउटर के साथ नेटवर्क अटैच होंगे वो देंगे, क्योंकि ये इनको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा और ऑटोमेटिकली डायनेमिकली दूसरे राउटर को अपडेट कर देगा। तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब अगले नेक्स्ट जो है वो लिखना है मैंने R2। इसके साथ कौन से नेटवर्क अटैच हैं देख लेते हैं टोपोलॉजी में। इसके साथ ये अटैच है एक 11 का क्लास ए का, बी क्लास 12 और 192.168.1.0। तो यहाँ लिख लेते हैं 11, 12 क्लास ए और क्लास बी 192.168.1.0। तो आप मुझे बताएं आप कितनी नेटवर्क की कमांड्स देंगे R2 पे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, तीन नेटवर्क की कमांड हम देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ तीन नेटवर्क अटैच हैं। अगर इस राउटर के साथ चार होते तो कितनी नेटवर्क की कमांड होती, 4। और अगर 10 नेटवर्क अटैच होते इस राउटर के साथ तो कितनी नेटवर्क की कमांड, 10। बिल्कुल करेक्टली आंसर आपने जवाब दिया। तो इसको हम कन्फिगर कर लेते हैं, इस राउटर को भी सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। CCNA जो है अगर कंसेप्चुअल समझे तो बहुत ही आसान है। कन्फिगर टर्मिनल में आपने कन्फिगरेशन मोड में जाना है। यहाँ लिखना है राउटर, मैं क्या कन्फिगर करने लगा हूँ, रिप कन्फिगर करने लगा हूँ। तो एक नेटवर्क की कमांड, फिर एक और नेटवर्क की कमांड, फिर एक और नेटवर्क की कमांड, और बिल्कुल नेटवर्क नंबर लिखना है यहाँ पे आपने करेक्टली, कोई मिस्टेक नहीं करनी वरना राउटिंग नहीं होगी। बिल्कुल देख के प्रॉपर तरीके से ये देखें, ये तीन नेटवर्क लिख लिए 11, 12 और 192.168.1.0। यहाँ आपने गलती कर दी, और सॉरी ये देखें गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 1.0 लिखना था। ये क्लास सी का है, क्लास सी में तीन नेटवर्क होते हैं एक होस्ट होता है, ये गलती होगी। अब इसको ख़त्म करने के लिए कमांड को मैं लिखूंगा नो नेटवर्क 192.168.0.0, क्योंकि क्लास सी है, क्लास सी में तीन नेटवर्क होते हैं एक होस्ट होता है, तो इसका नेटवर्क नंबर ये निकलता है 192.168.1.0। तो बहुत केयरफुली तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आपने कमांड दी, ये रिप कॉन्फ़िगर हो गया आसानी के साथ। उसके बाद ये वाला राउटर देखना है R3, इसके साथ भी तीन नेटवर्क अटैच हैं। और कौन कौन से अटैच हैं बता देते हैं, टोपोलॉजी में नजर आ रहा है एक 172.18, ठीक है, एक 16 और एक 17, यानी तीनों क्लास बी के हैं, 16, 17 और 18। ठीक है, क्लास बी में दो नेटवर्क होते हैं, दो होस्ट होते हैं। नेटवर्क नंबर निकालने के लिए हम होस्ट की जगह क्या लिखेंगे, 0, 16, 17 और 18। ठीक है, खूब वेरीफाई करके 16 अटैच है, 17 और 18। तो इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम, अनेबल कॉन्फ़िगर राउटर नेटवर्क 172.16, नेटवर्क 172.17, नेटवर्क 172.18। यहाँ पे भी हमने तीनों नेटवर्क सक्सेसफुली दे दिए। लास्ट रह गया R4, इसके साथ भी तीन नेटवर्क अटैच हैं, दो क्लास बी के हैं 1 और 2 और एक क्लास सी का 17। डॉट 168
2.0, एक क्लास बी का और दो क्लास सी के। तो इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर नेटवर्क 172.17.0.0 नेटवर्क 192.168.1.0 और नेटवर्क 192.168.2.0। और ये सक्सेसफुली हमने रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है जी। और ये देखें जी, तमाम नेटवर्क को इंटरफेस बेसिक आईपी भी दिया और राउटर को भी हमने रिप को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब करते हैं हम वेरीफाई तमाम राउटिंग को कि प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कंट्रोल जी करके मैं प्रिविलेज मोड में आता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कमांड देनी है पिंग की, पिंग, और मैं इसके सामने वाली इंटरफेस को पिंग करता हूँ 11.1.1.2। सक्सेसफुली पिंग हो गया, इसको पिंग किया मैंने यहाँ से, इस इंटरफेस को पिंग किया गीगाबिट 0/0 को, ठीक है। अभी मैं इस वाले को पिंग करके देखता हूँ इन तीनों इंटरफेसेस को। एक का आईपी 192.168.2.1 और 192.168.1.2 और 172.17.1.2, ठीक है जी। इसको पिंग करते हैं, .1 को भी पिंग कर लेते हैं सामने राउट, ये भी सक्सेसफुली। फिर 2 को पिंग कर लेते हैं, 2 को पिंग कर लेते हैं, उसके बाद 2 भी सक्सेसफुली पिंग हो गया है। उसके बाद 2.1 को भी पिंग करते हैं, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो चुका है। और उसके बाद हम क्लास बी का पिंग करते हैं 172.17.1.1, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो गया। उसके बाद 2, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो गया। उसके बाद 18 के नेटवर्क को पिंग करते हैं 18.1.1, ये भी सक्सेसफुली पिंग हो गया। तमाम नेटवर्क के साथ सक्सेसफुली पिंग हो रहा है राउटर के साथ। इसी तरह आप तमाम राउटर्स पे टोपोलॉजी के ऊपर इसको आप पिंग कर सकते हैं प्रॉपरली, पूरे टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ पिंग कर रही है। आगे हम चलते हैं जी, इसके ऊपर एक और कमांड देते हैं और यहाँ पे एग्जामिन करते हैं इसके राउटिंग टेबल को, शो आईपी रूट, ठीक है। शो आईपी RoutE, शो आईपी रूट राउटिंग टेबल इसका देखते हैं। तो सी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, प्रॉपरली किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है वो बता रहा है। उसके बाद यहाँ रिप आर से शो होगा, स्टैटिक राउट किससे शो होता था, एस से। रिप कितना शो हो रहा है, आर से रिप शो होगा, ठीक है। ये रिप से उसने तमाम नेटवर्क को जो है वो सीख लिया, लर्न कर लिया। देखिए सारी एंट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक से ज़्यादा पाथ हैं तो आपने जो है ना वो यहाँ पे वो शो करेगा कि इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए मैं वाया इस इंटरफेस से भी पहुँच रहा हूँ और वाया इस इंटरफेस के साथ भी मैं पहुँच रहा हूँ। 120 उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और 1 जो है वो हॉप काउंट है जो मैंने अभी पहले बताया था रिप में, ठीक है। ये 1 हॉप इज़ बेटर देन 2 हॉप, ये 2 हॉप है, यानी इस नेटवर्क तक 2 हॉप से पहुँचा जा रहा है। बीच में 2 राउटर आ रहे हैं, इसमें 1 राउटर आ रहा है। तो तमाम एंट्रियाँ ब्रैकेट के अंदर पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, अच्छा एग्जाम में ये आता है, पूछते हैं कि ब्रैकेट में क्या है, तो 120 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और 1 हॉप काउंट है। इसके दरमियान 2 राउटर आ रहे हैं, 2 राउटर के जरिए वो इस नेटवर्क तक पहुंचेगा और इस इंटरफेस के जरिए होगा। 27 सेकंड के बाद इसको फिर राउटिंग टेबल अपडेट मिल जाएगी। मैं बता चुका हूँ हर 30 सेकंड के बाद ये राउटिंग टेबल अपडेट करता है। तो ये हो गया शो आईपी रूट। फिर आपने करना है शो आईपी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है जी। प्रोटोकॉल जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, उन्होंने कहा जी राउटिंग टेबल रिप कॉन्फ़िगर किया है, हर 30 सेकंड बाद राउटिंग टेबल ये अपडेट करेगा, 0 सेकंड बाद फिर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। 180 सेकंड जो है वो अगर इसमें लिंक डाउन होगा तो इंतज़ार करेगा, फिर 180 सेकंड इंतज़ार करेगा, और अगर 240 सेकंड तक लिंक अपना हुआ या किसी किस्म का उसको अपडेट ना मिली तो राउटिंग एंट्री को अपने राउटिंग टेबल से निकाल देगा। राउटिंग टेबल रिप की है
वर्जन 1 कॉन्फ़िगर किया हमने यहाँ पर रिसीव, तो वो वर्जन 2 के भी पैकेट कर लेगा, लेकिन सेंड सिर्फ क्या करेगा, वर्जन 1, यानी वर्जन 1 कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। बाद दफ़ा टोपोलॉजी आती है एग्जाम के अंदर और उसको वर्जन 2 में कन्फिगर करना होता है। आगे लिखा मैक्सिमम पाथ 4, 4 पाथ तक ये मैक्सिमम लोड बैलेंसिंग करेगा। अगर एक राउटर से दूसरे राउटर तक 4 पाथ आपने किए तो 4 पाथ पे लोड बैलेंसिंग करेगा। और राउटिंग ये किन नेटवर्क के लिए करा रहा है, 3 नेटवर्क के लिए। अगर इसमें कोई एंट्री ना हो तो इसका मतलब है हमने नेटवर्क की कमांड की एंट्री को मिस किया है, वो यहाँ पर हमें एंट्री जो है नहीं है, फिर हमें नेटवर्क की कमांड की एंट्री करनी पड़ेगी। ये इसका एक गेटवे है और ये उसका दूसरा गेटवे। मोर करेंगे तो स्पेस बार दबाएं तो पूरा आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 120, 24 सेकेंड 21 सेकेंड बाद फिर राउटिंग टेबल अपडेट होगी। तो इस तरीके से आप उसको अपने तमाम पिंग के ज़रिए से, ट्रेस राउट के ज़रिए से यहाँ पर पिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं ट्रेस राउट देता हूँ, ट्रेस राउट की कमांड भी चलाता हूँ, ट्रेस राउट, ठीक है। और इस मैं अब यहाँ पे हूँ, इस राउटर पे हूँ और ट्रेस राउट कर रहा हूँ इस नेटवर्क को, ठीक है, 2.1 को। तो देखें पता, ट्रेस राउट करते हैं इस पर 192.168.2.1। ये देखें जी, ये पहले गया 11.1.2 से और फिर 172.71.2 से होता हुआ ये उस नेटवर्क तक पहुंच गया है, ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से वहां तक पहुंच चुका है। यानी उसने ये वाला पाथ यूज किया है, ये वाला पाथ इस्तेमाल किया है, इससे होते हुए यहाँ तक वो पहुंचे, इस पाथ से नहीं पहुंचा। हालांकि इस पाथ से भी वो पहुंच सकता था, सारे एक से ज्यादा पाथ है इस डेस्टिनेशन तक, एक ये और एक ये पाथ, लेकिन उसने इस पाथ को एग्जामिन किया है और यहाँ तक वो पहुंच चुका है इस नेटवर्क तक। ये ट्रेस आउट से भी आप पता चला सकते हैं। अब इसको करते हैं वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट, बहुत सिंपल है। वर्जन 2 में कन्वर्ट करना, आपने जाना है कन्फिगर और टर्मिनल में जाना है और लिखना है आपने राउटर, और क्या लिखना है, रिप, और यहाँ लिखना है वर्जन। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारों पे जाकर वर्जन 2 में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ लिखें आप वर्जन 2, ये भी हो गया वर्जन 2 में, इधर चाहें लिखें राउटर वर्जन 2, इसको भी कर लें वर्जन 2 में, वर्जन 2। देखें आप सबको मैंने वर्जन 2 में कर दिया है इसको कन्वर्ट, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, कंट्रोल Z, और यहाँ लिखें आप शो IP प्रोटोकॉल, तो ये देख लें यहाँ पे, ये देख लें वर्जन 2 में कन्वर्ट हो गया, सेंड भी वर्जन 2 में, रिसीव भी वर्जन 2 के अंदर। तो ये सक्सेसफुली हमने रिप को कन्फिगर किया, उसको वर्जन 2 के अंदर चेंज किया ये CCN ने। अगला जो राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे वो हम होगा EIGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसको आप सीखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, टोपोलॉजी डिफरेंट बनाएं और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें हर नई आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।